विधायक जी, आप यहाँ धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? सी पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने कल समतर थाने के तटावली कला में ग्रामवासियों को आश्वासन दिया था कि चुनाव दौरान जिन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग उपद्रव किया है उनसे संबंधित आपको जो शिकायत करना है वो कल आकर आप हमें दे दो। तो कुछ ग्रामीण जन खास तौर से उसमें प्रधान पद के प्रत्याशी थे, पति थे मैंने, तो वो कचहरी आए हुए थे, हम भी वहाँ बैठे थे। और जिस बीच में अपने जिलाधिकारी और एसएसपी से बात हुई तो वही कल के संबंध में लोग मिलना चाह रहे और वो अपना प्रार्थना पत्र देना चाहे थे, उन्हें न्याय चाहिए। तो एसएसपी ने तो 7:30 का टाइम दिया था, तो लेकिन उसके बाद जो है हमें लगता है कि इस बीच में SOG भेजकर SSP ने जो है उनको हमारे सामने ही अरेस्ट करवा लिया। और क्योंकि हमने रोका भी तो हमसे भी उसमें कुछ पुलिस पुलिस ने भी पकड़ो। तो ये तो बिल्कुल एक विधायक की अवमानना का प्रश्न है। और सीधे सीधे कचहरी में सार्वजनिक जगह तो गलत बात है। तो आपकी क्या मांग है? तो हमारी ये है कि पहले तो जो निर्दोष लोगों को जो कल कांड हुआ है, जो प्रत्याशी थे उनका पुनर्मतदान होना है, उन्हें हर हालत में छोड़ा जाए। जब बेचना हो जाए तो उन्हें जो भी हो उसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो धरना और जिन लोगों ने जो कल अभद्रता अपने साथ की है या जो लोग हमारे साथ बैठे थे उन लोगों को भी साथ में ले गए। तो क्या ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे सामने ले जाना, हम उन्हें रोक रहे और हम कह रहे कि भाई इनमें से अगर जांच हो जाए। और चूंकि और भी लोग जो आए हुए थे हमसे मिलने वाले, आमतौर पर उन कचहरी में बैठते हैं जनता की शिकायत तो को सुनने के लिए, निवारण के लिए, तो उन सभी को ले गए और जानकारी मिली कि नवाबाद ले जा रहे हैं। तो हम समझते हैं इनको छोड़ना चाहिए पहले ये।